प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आगामी परीक्षा में आप सभी लोगों को सफलता मिल सके तो आइए अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में किन किन सवालों को आप सभी के लिए शामिल किया गया है पहला सवाल है राज्य में कब से पेशा एक्ट लागू किया जाएगा विकल्प है 12 नवंबर 13 नवंबर 14 नवंबर 15 नवंबर आप सभी को पता होगा साथियों कि पेशा एक्ट कोई अभी नया एक्ट नहीं है इसे वर्ष उन्नीस में ही बनाया गया था और इसे किस लिए बनाया गया था इसे खासकर शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायतों के विस्तार के लिए साथ ही साथ ऐसे इलाके जहां पर ज्यादातर जो आबादी है वो आदिवासी लोगों की है तो उनसे संबंधित पंचायतों को लेकर के जो भी समस्याएं थी यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार हो सके इसके लिए इस कानून को लाया गया था तो अभी हाल ही में सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि इसको 15 नवंबर से राज्य में लागू किया जाएगा आइए इसके विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई जानकारी को भी एक बार देख लेते हैं सबसे पहले पेशा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं तो पेशा एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट नाइनटीन कहते हैं और इसे राज्य में 15 नवंबर से लागू किया जाएगा और इसके अंतर्गत जब से ये लागू किया जाएगा तो वहां के जो भी लोग हैं उनको सामाजिक न्याय भी इससे मिल सकेगा और उनके अंदर एक समानता और समरसता की भावना का भी विकास होगा अगर हम इसके प्रावधानों की बात करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि यह प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो पॉलिटी के अंतर्गत रखा जाएगा लेकिन इस प्रश्न को अगर पूछा जाए तो इसको पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन से ना जोड़ करके देखिए बल्कि इसे करंट से जोड़ करके देखिए क्योंकि इसको 15 नवंबर से मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है तो इससे संबंधित जो भी प्रावधान है संविधान में इसको क्यों लाया गया इसके क्या प्रावधान है संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है इन सब विभिन्न पहलुओं को आपको पढ़कर के जाना चाहिए कि जिससे कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल यदि पूछा जाता है उसको आप लोग आसानी से हल कर सके तो आइए थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि को देख लेते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के तिहत्तरवें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था लागू की गई थी लेकिन ऐसा देखा गया था कि ये जो व्यवस्था लागू की गई थी खासकर उसके प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों की अगर बात करें तो विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहां पर आदिवासी लोगों के निवास ज्यादा है यानी कि आदिवासी निवासी बाहुल्य क्षेत्र में इनके प्रावधानों में इनसे संबंधित जो भी समस्याएं थी उसका खास ध्यान नहीं रखा गया और इसी कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग नौ के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू की गई और इसके लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम जिसे कि हम शॉर्ट में पेशा अधिनियम कहते हैं उन्नीस बनाया गया और इसको 24 दिसंबर उन्नीस को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था तो ये इसकी कुछ पृष्ठभूमि रही इससे जोड़ करके सवाल जरूर पूछा जा सकता है परीक्षा में तो लेकिन ये ध्यान रहे कि ये स्टैटिक पोर्शन से नहीं बल्कि करंट अपडेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा क्योंकि इसका जिक्र अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इसको राज्य में पंद्रह नवंबर से लागू करने की बात कही जा रही है तो जो प्रश्न पूछा जाएगा वो करंट अपडेट से ही संबंधित होगा भले ही जो प्रश्न की रूपरेखा हो वो ऐसी लगे कि ये स्टैटिक पोर्शन से पूछी गई तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में जो भी जानकारियां हैं यहां पर दे दी गई आप सभी के लिए काम की बातें बता दी गई हैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों ने कल्चरल फेस्ट में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया पहला दूसरा तीसरा या चौथा अभी हाल ही में एक तीन दिवसीय कल्चरल फेस्ट का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था जिसमें मध्य प्रदेश के जो जनजातीय विद्यार्थी हैं इसमें 80 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और तेरह विभिन्न विद्याओं के अंतर्गत इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए बेंगलुरु में तीसरे नेशनल कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया था और ये आयोजन जो है तीन दिवसीय आयोजन था और इसके अंतर्गत तेरह विभिन्न विद्याओं में मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई तो कुल मिलाकर के इसका जो आयोजन किया गया था यानी इस फेस्ट की अगर आयोजन की बात करें तो केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था लेकिन इन विद्यार्थियों ने राज्य के किस विभाग के अंतर्गत इसमें पार्टिसिपेट किया गया था अगर इसका प्रश्न पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग अस्सी जनजाति विद्यार्थियों ने इस फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था यानी हिस्सा लिया था और इन विद्यार्थियों को बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में सम्मानित भी किया गया पुरस्कार देकर के चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ राज्य का कौन सा शहर मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं रोजगार देने वाली राजधानी बना है विकल्प है पीथमपुर जबलपुर रीवा या दतिया दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो है इंदौर है तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इंदौर जो है विकल्प में भी नहीं है यहां बात कर रहा है औद्योगिक एवं रोजगार देने वाली राजधानी तो पीथमपुर जो, जो है ये राज्य की औद्योगिक एवं रोजगार प्रदान करने वाली राजधानी बन गई है इसके बारे में अगर जिक्र करें तो यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित हुए साथ ही साथ यहाँ पर निवेश का जो क्रम है यानी निवेश आने का जो क्रम है वो लगातार बना हुआ है और इसकी घोषणा अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीथमपुर में आयोजित रोजगार दिवस और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत की है और इससे संबंधित कुछ अन्य बातों का भी जिक्र किया है उन्होंने जैसे कि राज्य में विकास कार्यों के लिए किन किन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है कितना व्यय किया गया है इसके अलावा महाराणा प्रताप एवं शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया है साथ ही साथ महिला उद्यमी पार्क की भूमि पूजन करके 21 महिला उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र भी मुख्यमंत्री जी ने उनको सौंपा है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2021 22 का विश्वकर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ है विकल्प है हीरामन उर्वेती, मोहम्मद एहसान छिपा धर्मेंद्र रोहर या इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि विश्वकर्मा पुरस्कार किसको दिया जाता है या किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो उत्कृष्ट हस्तशिल्प के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यानी कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लोगों को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो अभी हाल ही में मोहम्मद एहसान छीपा को प्रथम पुरस्कार दिया गया है विश्वकर्मा पुरस्कार जो कि वर्ष 2021-22 का पुरस्कार है आइए इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं तो सबसे पहले कुटवीर एवं ग्राम उद्योग विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार और विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था चार नवंबर को कहां पर भोपाल हाट अरेरा हिल्स में इसका आयोजन किया गया था तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुनकर पुरस्कार और विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए जिस समारोह का आयोजन किया गया था तो वो राज्य में कहां पर किया गया तो उत्तर हो जाएगा भोपाल हाट अरेरा हिल्स में और इसमें छह बुनकरों और छह शिल्पियों को पुरस्कार दे करके सम्मानित किया गया है खासकर अगर इसकी बात करें तो इसमें हथकरघा बुनाई के लिए कबीर बुनकर पुरस्कार और उत्कृष्ट हस्तशिल्प के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है राज्य सरकार की ओर से जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को क्रमशः एक लाख पचास हजार और पच्चीस हजार रुपए देकर के सम्मानित किया जाता है साथ ही साथ प्रमाण पत्र ताम्रपत्र एवं शाल देकर के भी इनको सम्मानित किया जाता है तो वही अगर हम बात करें वर्ष 2021-22 के विश्वकर्मा पुरस्कार की तो इसमें प्रथम पुरस्कार जो है मोहम्मद एहसान छीपा, द्वितीय पुरस्कार हीरामन मन और तृतीय पुरस्कार जो है धर्मेंद्र रोहर को दिया गया है अगला सवाल है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जनता को लाभान्वित करने में मध्य प्रदेश किस पायदान पर है विकल्प है पहला दूसरा तीसरा या चौथा तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो पहला है इससे संबंधित कुछ अन्य पहलुओं को देखते हैं इस योजना का लाभ जो है देश में सबसे पहले हरदा जिले यहां पर ये याद रख लीजिए कि कभी पूछा जा सकता है कि ना केवल राज्य स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर अगर बात करें तो सबसे पहले हरदा जिले के किसान राम भरोस से विश्वकर्मा राम भरोस विश्वकर्मा को इसका लाभ दिया गया तो ये नाम यानी कि जो किसान है जो लाभान्वित हुए सबसे पहले लाभान्वित होने वाले किसान और ये किस जिले के हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बारे में पूछा जा सकता है तो ये परीक्षा के नजर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर इसकी बात करें यानी कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की बात करें तो इसे केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में 24 अप्रैल को शुरू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य है तकनीकी का उपयोग करके भारत की जो ग्रामीण जनता है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर भी बनाना है और इसके अंतर्गत ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उम्मीदवारों की जो भी संबंधित समस्याएं होती है उनका पूरा जानकारी उनका पूरा लेखा जोखा मौजूद होता है साथ ही साथ ऑनलाइन भूमि से संबंधित समस्त जानकारियां इस पोर्टल पे आप लोगों को मिल जाएगी और इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड भी हितधारकों को दिया जाता है तो प्रश्न इस पर भी बनाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड किस योजना के अंतर्गत लोगों को प्रदान किया जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना तो ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रही अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री ने शिवनी में एक जिला एक उत्पाद के तहत किस फल का अवलोकन किया है विकल्प है आम कटहल अंजीर या सीताफल तो अभी शिवनी में एक जिला एक उत्पाद के कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीताफल जिसे शिवनी जम्बो सीताफल भी कहते हैं का अवलोकन किया है इसे शिवनी जम्बो सीताफल इसलिए कहते हैं कि जो इसका आकार है वो थोड़ा सा बड़ा है काफी विशाल है और इसकी वेट की अगर हम बात करें तो 600 से 700 ग्राम इसका वजन होता है आइए इससे संबंधित कुछ बातों को भी देख लेते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया इसे शिवनी जंबो सीताफल कहते हैं तो अभी सिवनी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर मुख्यमंत्री ने सीताफल का अवलोकन किया साथ ही साथ इस ब्रांड की बेहतर मार्केटिंग करके इसे देश प्रदेश में लोकप्रिय बनाने के निर्देश भी दिए हैं अगर जम्बो फल की अगर हम बात करें यानी कि जम्बो का मतलब यहाँ पर सीताफल से है जो यहाँ पर इसका पूरा नाम सिवनी जम्बो सीताफल है तो इसकी बात करें तो सिवनी जिले में लगभग छह हेक्टेयर क्षेत्र में पैंसठ सौ मीट्रिक टन से अधिक सीताफल का उत्पादन होता है वहीं अगर इसकी वजन की बात जैसा कि मैंने पहले बताया 600 से 700 ग्राम होता है और इसके विशिष्ट आकार एवं स्वाद से इसकी देश और विदेश में अच्छी मांग देखने को मिल रही है और इसके मांग को देखते हुए वहां पर यानी सिवनी जिले में आजीविका मिशन से संबंधित जो भी स्वयं सहायता समूह है यानी कि ऐसे समूह जो महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं और स्वयं सहायता समूह है वो तो वहां की महिलाओं की सहभागिता में सीताफल के लिए एक पल्प यूनिट शुरू की गई है साथ ही साथ एक एफ का भी गठन किया गया है जिससे कि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके और इस ब्रांड यानी कि सिवनी जम्बो सीताफल के देश प्र... विदेश में जो मांग बढ़ रही है उसकी पूर्ति की जा सके और इसका ज्यादा से ज्यादा निर्यात करके लोगों को इसका लाभ दिलाया जा सके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ राज्य का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है विकल्प है पन्ना इंदौर शहडोल भोपाल तो हीरा उत्पादन के लिए राज्य में पन्ना जिला जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है पन्ना जिले को ना केवल हीरा के लिए ही जाना जाता है बल्कि मंदिरों की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है जो कि शायद ही ज्यादातर विद्यार्थियों को पता हो तो यहाँ पर यह ध्यान रखे कि पन्ना ना केवल हीरा के लिए प्रसिद्ध है बल्कि मंदिरों की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है और यहाँ पर संत प्राणनाथ और श्री बलदेव जी के मंदिर स्थित है अगर पन्ना जिले की हम कुछ बात करते हैं तो तेरहवीं सदी तक यह एक गोंड व्यवस्थापन था और राजा छत्रसाल बुंदेला ने इसको अपनी राजधानी बनाया था और एक नवंबर वर्ष उन्नीस में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तो इसको भी मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि पन्ना चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी विद्यार्थियों को देनी है साथियों वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाने वाली है उसके लिए दृष्टि संस्थान की ओर से कक्षाएं 14 नवंबर से शुरू की जा रही है और ये जो कक्षाएं होंगी लाइव ऑनलाइन होंगी जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप के द्वारा आप सभी लोग इसमें प्रवेश लेकर के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और इसमें प्रवेश लेने के लिए जो फीस रखी गई है सोलह रखी गई है और इस कोर्स से संबंधित क्या प्रमुख बातें हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दी गई है जिसको कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं लेकिन इससे संबंधित यदि कोई क्वेरी है प्रवेश लेने में कोई अड़चन आ रही है या आप किसी भी बात की जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क सूत्र पर आप लोग संपर्क करके विभिन्न जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हाल ही में नितिन गडकरी ने किस जिले में आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है विकल्प है छतरपुर जबलपुर मंडला या रायसेन तो इसका सही उत्तर जबलपुर हो जाएगा अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है जिनकी कुल लंबाई 214 किलोमीटर है और इस परियोजनाओं की वजह से हिरन नदी से सिंगूर नदी तक तिरपन किलोमीटर और नौरा देही वन्य जीव के 12 किलोमीटर पोर लेन के निर्माण से जबलपुर से भोपाल तक की जो यात्रा में समय लगता था उसमें दो घंटे की बचत होगी इसके अलावा गन्ना और दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जिला है मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर तो वहां के किसानों को अपनी उपज को मालवा क्षेत्र में यानी जो मालवा का पठार क्षेत्र है साथ ही साथ मध्य भारत का जो पठार है वहां तक और वहां के पर स्थित जो मंडी है वहां पर लाने के लिए सुलभता होगी आसानी होगी इसके साथ ही साथ वन्य जीव अभ्यारण्य में जानवरों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तेईस अंडर और पाँच छोटे पुल का भी निर्माण इस परियोजनाओं में शामिल है तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी रही हो सकता है कि इससे संबंधित कोई सवाल आप लोगों से पूछा जा सके क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफी है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें साइड हो जाता हूं चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं राज्य के किस जिले में नब्बे कुपोषित बच्चे अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं विकल्प है बुरहानपुर रायसेन विदिशा या बैतूल तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बुरहानपुर बुरहानपुर में जून माह से एक योजना चलाई जा रही थी कि और उस योजना के अंतर्गत जून माह में लगभग तीन हजार बच्चे जो थे कुपोषण के शिकार थे और इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए बुरहानपुर ने लगभग नब्बे बच्चों को बचा लिया यानी कि अब वो कुपोषण के शिकार से बाहर आ चुके हैं तो इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को अगर देखें तो 15 नवंबर तक लक्ष्य रखा गया है कि जिले को पूरी तरह से कुपोषण से मुक्त कर दिया जाए यानी कि जिले में जो भी कुपोषित बच्चे हैं यानी कि ऐसे बच्चे जो कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनको इससे मुक्त कराया जा सके और यदि ऐसा कर लिया जाता है तो ये बुरहानपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसमें बस थोड़ा सा ही बाकी है यानी कि जो जून माह की अगर हम बात करें जहां तीन हजार बच्चे कुपोषित थे अब दो सौ चौरानवे ही इनकी संख्या घटकर रह गई है यानी कि इस लक्ष्य को बुरहानपुर लगभग हासिल कर लेगा और यदि वो ऐसा कर लेता है तो ये बुरहानपुर के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी चलते हैं आगे की तरफ राज्य के किस शहर में प्राइड ऑफ एमपी अवार्ड सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा विकल्प है भोपाल इंदौर सागर या मंदसौर तो प्राइड ऑफ एमपी अवार्ड का आयोजन प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में किया जाएगा और इसके अंतर्गत 11 नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रदेश भर की आईटी और आईटीएस से संबंधित इसके अलावा बीपीओ केपीओ और उनके संचालक तथा जो भी अधिकारी गण होंगे वहां पर इकट्ठा होंगे और ऐसे लोग जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है अपनी कंपनियों के माध्यम से खासकर आईटी के क्षेत्र में तो उनके कंपनियों के फाउंडर सीईओ और अन्य लोग जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से खुद की कंपनी और स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सराहनीय कार्य किए हैं तो उन सभी को इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा प्राइड ऑफ एमपी के रूप में उनको सम्मानित किया जाएगा तो ये हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल रहा और आज के अपने इस अंतिम सवाल के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं हमें उम्मीद है कि जिन तथ्यों और जिन सूचनाओं को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए सहायक साबित होंगे लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई सुझाव है जिससे कि हम अपने इस प्रोग्राम को और भी बेहतर तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकते हैं तो आप सभी साधार आमंत्रित हैं तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए तथ्यों के साथ कुछ नए सवालों के साथ तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए शुक्रिया